हाय गाइस, मैं सब सचिन कर्ण और आप देख रहे हैं लॉ पुत्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर होने वाले बहुत सारे चीज़ों को, जैसे कि एडजॉर्मेंट हो गया, प्रोरोगेशन हो गया और फिर डिसोल्यूशन हो गया। तो संसद के अंदर किस प्रकार से कार्यवाही होती है और उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। आपने इससे पहले संसद के बारे में पढ़ाई होगा, तो चलिए आज समझते हैं डिसोल्यूशन क्या होता है, समझते हैं प्रोरोगेशन क्या होता है और समझते हैं कि एडजॉर्मेंट क्या होता है। इन सारे चीज़ों को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि संसद जो होते हैं, पार्लियामेंट जो होते हैं, इनके सेशंस कैसे होते हैं और इनके सेशंस में क्या क्या मुख्य बातें हैं। इन सारी चीज़ों को पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेशंस की। जहाँ पे याद रखिएगा, सेशन की हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, ठीक है। पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। तो इसमें हम सदन की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट के जितने भी सदन होते हैं इसके अंदर किस प्रकार की कार्यवाही होगी यह तय करता है। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा की बात हो तो वहाँ के सभापति। कई बार अक्सर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सदन के अंदर की कार्यवाही के नियमों को कौन तय करता है, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, राष्ट्रपति। तो ज़्यादातर लोग राष्ट्रपति टिक कर देते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, सेशन के अंदर जितनी भी कार्यवाही है उसको लेकर ये नियम कानून कौन बनाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अगर लोकसभा की बात हो तो, और अगर राज्यसभा की बात हो तो सभापति करते हैं, ठीक है। सेशन के बारे में बात करते हैं। सेशन को ही आप लोग सत्र भी बोल सकते हैं, इसे आप अधिवेशन भी बोल सकते हैं। सत्र हो गया, अधिवेशन हो गया, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं बैठक। आप लोग अक्सर सुनते होंगे संसद की बैठक, तो इसी को सेशंस बोला जाता है, ठीक है। यह सेशन बुलाता कौन है, इससे पहले हम समझे कि सेशन होता क्या है, सबसे पहले समझिए सेशन जो होता है पार्लियामेंट का, यानी कि सत्र हो गया, अधिवेशन हो गया या फिर बैठक हो गया, इसको बुलाता कौन है। इसको बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं तो क्या ये अपने मन से बुलाते हैं? जी नहीं, प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर। कई बार ऐसी स्थितियां भी आती है कि देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना बहुमत में नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन अभी जस्ट हुआ है, आम चुनाव, और उसके बाद अगर बैठक बुलाना हो, पहली बैठक, तो ऐसी स्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो होगा नहीं, तो फिर कौन बुलाएगा। ऐसे परिस्थिति में प्रेसिडेंट खुद अपने बुद्धि विवेक से सेशंस को ज्वाइंट सीटिंग कराते हैं और पीएम से कहते हैं कि आप अपना बहुमत पेश कीजिए। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि सेशन बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है। इससे आगे की बात करते हैं। सेशन मेनली जनरली तीन होते हैं, एक वर्ष में जनरली तीन सेशन होते हैं। हालांकि आपको ये बात हम बताते चले कि संविधान में इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है कि सेशन कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम का जिक्र है। मिनिमम सेशन एक वर्ष के अंदर कितना होगा इस बात का जिक्र है, लेकिन अधिकतम कितना होगा इसके लिए डायरेक्ट रूप से संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें हम जो पढ़ रहे हैं कि सेशन तीन होंगे, जनरली सामान्य रूप से तीन होते हैं, इसका जानकारी कहाँ से मिलता है? तो संसदीय जो कार्यवाही है, इस संसदीय प्रणाली जो है, इसके अंतर्गत नियम कानून बनाया गया है कि सेशन में जनरली तीन प्रकार के बैठक होते हैं। पहला बैठक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बजट सत्र। क्या बोलते हैं? बजट सत्र। जनरली यह साल के स्टार्टिंग में होता है और इसका जो अमूमन समय होता है वो फरवरी से लेकर के मई तक, फरवरी से मई तक जो संसद की बैठक होती है इसे बजट सत्र के नाम से जाना जाता है। बजट सत्र के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें बजट को पेश किया जाता है, इसलिए इसका नाम ही बजट सत्र रख दिया गया है। यहाँ पे जो हमने डेट लिखा है कि बजट सत्र जो है जनरली फरवरी से लेकर के मई तक का होता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फरवरी में ही हो। आपको पता है 2018 में जो है सो ये जनवरी के लास्ट में ही शुरू हो गया था, तो ये संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि बजट सत्र फरवरी से मई के बीच में ही होगा, ये थोड़ा पहले थोड़ा बाद भी हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा सत्र आता है ये होता है मानसून सत्र। दूसरा सत्र होता है ये होता है मानसून सत्र, ये जनरली जुलाई में होता है, ये जनरली जुलाई से लेकर के सितंबर तक रहता है। उसके बाद फिर थर्ड आता है शीतकालीन सत्र। ये जनरली तीन प्रकार के सत्र होते हैं, तीन प्रकार के बैठक होते हैं, यानी कि तीन सेशन सब पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। शीतकालीन सत्र होते हैं जो कि नवंबर से लेकर के दिसंबर के इसका बीच का टेन्योर रहता है। यहाँ पे अगर महीनों के दृष्टिकोण से बात करें, समय के दृष्टिकोण से बात करें, तो सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा सत्र जो होता है वो होता है बजट सत्र। आप भी देख सकते हैं फरवरी से लेकर के मई तक, फरवरी से लेकर के मई तक ये रहता है। तो सबसे बड़ा सत्र समय के दृष्टिकोण से बजट सत्र, और सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जनरली तीन बैठकें होती है, जनरली की बात हम कर रहे हैं। स्पेशल केस में इसका कुछ अलग प्रोविजन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बजट सत्र फरवरी से मई के बीच होता है, इसको सबसे बड़ा कहा जाता है। सबसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फरवरी स्टार्ट हुआ, ठीक है, बजट सत्र स्टार्ट हुआ, तो 10 से 15 दिन के बैठकों के बाद, 10 से 15 बैठकों के बाद बजट को पेश किया जाता है।
संसद में बजट को पेश किया जाता है, बजट पेश हो गया, इसके बाद 20 से लेकर के 25 दिनों का एक गैप मिलता है, मतलब 20 से 25 दिन तक बैठक नहीं होती है और उसके बाद फिर इस पे आगे बात होती है। तो इसीलिए इसको सबसे लंबा सदन कहा जाता है, उसको ये भी सत्र कहा जाता है, साथ साथ इसको ये भी कहा जाता है कि ये दो भागों में बटा होता है, दो भाग में, इसलिए एक ये जो छुट्टी का पीरियड है 20 से 25 इससे पहले का जब बजट पेश हुआ और एक इससे बाद का, तो ये दो प्रकार के होते हैं, बजट से पहले एक गैप से पहले और एक गैप के बाद, ये बातें हो गई आपके बजट सत्र की। इसी प्रकार से फिर मानसून सत्र होता है, फिर शीतकालीन सत्र होता है। इसमें हम आपको बात ये हो गया सेशंस के बारे में आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 85 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 85, इसमें लिखा गया है कि एक सत्र यानी कि बजट सत्र को मान लेते हैं नाम ए और मानसून सत्र का नाम देते हैं बी, तो ए और बी के बीच जो सत्र होगा इसके बीच मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि साल में कम से कम 2 सत्र तो होना ही होगा, ये कंपलसरी है, साल में 2 से कम सत्र नहीं हो सकता है, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है एक बैठक के बाद दूसरे बैठक का, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो बजट सत्र, मानसून सत्र, या फिर बजट सत्र या शीतकालीन सत्र या फिर मानसून सत्र या फिर शीतकालीन सत्र, किसी भी दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है, ये बातें आपको बजट सत्र समझ में आ गया। तो अपने सेशंस के बारे में समझ लिया, अब हम बात करते हैं सेशंस के अंदर जो 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडजॉर्नमेंट की। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? एडजॉर्नमेंट को हिंदी में बोलते हैं स्थगन। एडजॉर्नमेंट को हिंदी में बोला जाता है स्थगन। स्थगन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा होता है तो इसके बीच मान लीजिए कि किसी मैटर पे पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत ज़्यादा विरोधाभास हो जाता है या फिर कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से संसद को उस वक्त उस बैठक को चला पाना संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ के, अगर लोकसभा की बात है तो वहाँ के अध्यक्ष और अगर राज्यसभा की बात है तो वहाँ के सभापति कार्य को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, मतलब संसद की बैठक की प्रक्रिया को क्या करते हैं, रोक देते हैं, उसी को बोला जाता है स्थगन, एडजॉर्नमेंट ऑफ हाउस। ये स्थगन कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है और अनिश्चितकालीन के लिए भी हो सकता है। अनिश्चितकालीन स्थगन का मतलब होता है कि अगर बैठक को रोक दिया जाए और ये नहीं बताया जाए कि फिर से बैठक को कब शुरू किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगन। तो ये हो गया आपका एडजॉर्नमेंट, ठीक है, ये कौन कर सकता है, ये अगर लोकसभा की बात है तो वहाँ के अध्यक्ष और अगर राज्यसभा की बात है तो वहाँ के सभापति, स्थगन हो गया। इसके बाद फिर आता है एक डिसोल्यूशन आता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन। विघटन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी सरकार है, जैसे अभी करंट में मान लेते हैं बीजेपी की सरकार है केंद्र में, ठीक है, तो अगर लोकसभा में वो अपना बहुमत नहीं कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है, लोकसभा में अपना पूरा बहुमत नहीं रख पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सरकार को खत्म करना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति पूरे संसद, राष्ट्रपति जब लोकसभा को भंग करते हैं तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन यानी कि विघटन। ये जो राष्ट्रपति जो लोकसभा को विघटित करते हैं यानी कि डिसोल्यूट करते हैं, इसके लिए दो बातें हो सकती है। पहला, ये या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे करेंगे, या तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर इनको सलाह कर ये दे प्रेसिडेंट को, ये अगर बताए कि हमारे पास बहुमत नहीं है, संसद को भंग कर दिया, लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो लोकसभा भंग हो जाएगा, ठीक है, तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। या फिर राष्ट्रपति को ये लग रहा हो कि जो करंट में जो सरकार है इस मंत्रिपरिषद का अपना बहुमत नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो बहुमत परीक्षण करा के और फिर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा नहीं, राज्यसभा परमानेंट सदस्य होता है, जबकि लोकसभा विघटित होने वाला सदस्य होता है। तो आपको एडजॉर्नमेंट समझ में आ गया, डिसोल्यूशन समझ में आ गया। इसके बाद एक आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब होता है, सत्रावसान का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि 2 सत्र, एक है बजट सत्र, बजट सत्र को ए बोल देते हैं, और एक होता है मान लीजिए कि सत्र मानसून सत्र, बी बोल देते हैं। तो सत्र एक जब खत्म हुआ, सत्र ए जब खत्म हुआ और सत्र बी जब स्टार्ट हुआ, ये है बी का स्टार्टिंग पॉइंट, ये है इसका टर्मिनेशन पॉइंट, ये है ए का स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका टर्मिनेशन पॉइंट। तो एक सत्र के टर्मिनेशन पॉइंट से लेकर के दूसरे सत्र के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में जो ये जो गैप होता है, ये जो छुट्टी का समय होता है, इसी को बोलते हैं सत्रावसान, ठीक है। इसके साथ ही हम आर्टिकल 85 के बारे में बात कर रहे थे पीछे, तो आर्टिकल 85 जो होता है इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद में यानी कि लोकसभा का जो हिस्सा है संसद का, उसको ये विघटित कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं आर्टिकल 85 के द्वारा। साथ ही ये भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद के सदन को पहला बैठक जो होता है वो राष्ट्रपति ही कराते हैं, मतलब सदन को आहूत करते हैं और उसका सत्रावसान करते हैं, मतलब बुलाते भी ये हैं और फिर ख़त्म भी ये करवा देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिकल 87 है, आर्टिकल 87 ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद या फिर प्रत्येक वर्ष के जो पहला बजट होता, प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होता है यानी कि बजट सत्र,
तो बजट सत्र का जो फर्स्ट डे होता है इसमें जो है सो ज्वाइंट सीटिंग कराते हैं और उसको अभिभाषित करते हैं कौन, राष्ट्रपति। यानी कि आर्टिकल 87 में ये लिखा गया है कि जनरल इलेक्शन होने के बाद कहिए या फिर कहिए कि प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसका जो फर्स्ट डे होता है इसका स्टार्टिंग कौन कराते हैं, प्रेसिडेंट अपने भाषण से। और ये जो स्टार्टिंग कराते हैं इसमें दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ज्वाइंट सीटिंग में होते हैं। तो ये बातें हो गई आपके एडजॉर्नमेंट का, रिजोल्यूशन का, प्रोरोगेशन का और फिर सेशंस ऑफ पार्लियामेंट का। तो अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन और बने रहिए हमारे साथ लॉ पुत्रा के साथ।